नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और साथियों, हम किसी भी गानों को हारमोनियम पर कैसे निकालें और कैसे निकालते हैं, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे लेकिन आपसे गीत नहीं निकल रहा है। तो चलिए, आज एक बहुत ही प्यारा सा गीत राग भैरवी पर आधारित एक गाना है। राग भैरवी जिसमें रे गा धानी चारों स्वर कोमल लगते हैं साथियों, और गाना है इक्स मैं हम तुम्हें क्या बताएं। आज इसी का ट्यूटोरियल सीखेंगे साथियों, तो बने रहना वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब इक्स मैं हम तुम्हें क्या बताएं साथियों, ये गाना थर्ड भैरवी पर आधारित है। तो देखिए, मध्य सप्तक की पहली काली ये मेरा सा होगा, तो सा रे कोमल गा कोमल मा पा धा कोमल और ये नी तक जाता है, नी कोमल, नी धा पा मा गा रे सा। मंत्र सप्तक में इसमें एक सुर लगेगा नी कोमल। और साथियों, इसके अलावा इसमें शुद्ध गा का यूज भी होता है, इस सुर का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी पहली लाइन यही है, इक्स में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं। देखिए, ये मेरा सा है, तो एक से मैं हम, तो यानी के मेरे गले पे जोर कम है, ठीक है। तो मैं यहीं कहीं, ये यहीं कहीं बजेगा अभी, ठीक है, चार स्वरों पे यहीं बजेगा ये। एक से मैं हम तुम्हें क्या बताएं, है ना। ठीक है, अब आएगा चढ़ाव में, इस कदर चोट खाए हुए हैं। तो पहले इसको इसको मैं क्या 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 सो रहा है, पहले इसको ही समझिए। तो एक से मैं हम, यानी सा रे कोमल और नी और फिर सा पे पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक से मैं हम। अब तुम्हें क्या, यानी रे नी और सा, एक से मैं हम तुम्हें क्या बताएं। तो बताएं, तो हम इसमें तिवारा में जो है गा का टच ले लेते हैं, शुद्ध वाले कोमल गा का, ठीक है। एक से मैं हम तुम्हें क्या बताएं, ठीक है। सा रे नी सा रे नी सा रे नी गा रे नी गा रे। अब यहाँ से किस कदर चोट खाए हुए हैं, तो सा से रे पे सीधा हम पा पे जाएंगे, ठीक है। किस कदर चोट खाए हुए हैं, दो बार हमारा पा है, नी है, फिर पा है, फिर मा है, तो ये हो जाएगा किस कदर चोट अब खाए हुए हैं, यानी गा रे सा सा, ठीक है। तो ये इसकी पहली लाइन है। दूसरी लाइन इसकी सेम बजती है, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं, तो ये सेम बजेगा, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इस दूसरी लाइन में बजाय हमने यहाँ पे इस पे शुद्ध गा का टच होता है, ठीक है। पहली लाइन में हम इसको नहीं लेते हैं, दूसरी लाइन में ये टच होता है, किस तरह से, मौत ने हमको मारा है और हम, ठीक है, जिंदगी के सताए हुए हैं, ठीक है। एक से मैं हम
तुम्हें क्या बताएं। तो साथियों ये इसका स्थाई पाठ है। अब इसका अंतरा है एद सुर्ख आंखों में काजल लगा है, रुख पे वादा सजाए हुए हैं। बस ये इसका अंतरा है। तो गा से शुरू होता है कोमल, सुर्ख आंखों में, तो एक बार गा है एक बार मा है, सुर्ख आंखों में, तीन बार पापा है, गामा पापा पा, सुर्ख आंखों में, अब काजल लगा है, काजल लगा है, फिर पा से मात्रा लेंगे, पाधानी धा पापा, दोबारा देखिए अंतरा, ठीक है। तो ये हो गया सुर्ख आंखों में काजल लगा है। एक बार गा है एक बार माँ है, पहले तीन बार पा है, फिर एक बार पा और है, ठीक है। ठीक है, गा मा पा 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 धा नी धा पा पा। अब है रुख पे वादा सजाए हुए हैं, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, तीन बार धा 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 पा धा 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 मा गारे गारे सा सा, रुख पे वादा सजाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका अंतरा हुआ। अब स्थाई लाइन से फिर भी आ जाएगी, ऐसे आए हैं ऐसे आए हैं, यानी सारे नी सा सा गारे गारे सा सा, ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी। ठीक है, अब जैसे शादी में आए हुए हैं, पापा ने पामा गारे गा गा गारे सा, ठीक है, पा पा नी पा मा गा रे गा 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 रे सा, शुद्ध गा का यूज यहाँ होता है। ठीक है, तो इस तरह से साथी इसको बजाना सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।